मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो रेक्टेंगल चैनल क्या होता है। वी हैव टू डिराइव द कंडीशन फॉर क्रिटिकल फ्लो फॉर रेक्टेंगल चैनल और उसके बाद मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी एंड डेप्थ ऑफ द फ्लो, इन दोनों के बीच का रिलेशन प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका रेक्टेंगल चैनल है, दिस इज योर रेक्टेंगल चैनल, इसका विड्थ क्या है बी, इसका डेप्थ है अभी क्रिटिकल बिकॉज वो क्रिटिकल फ्लो की बात कर रहा है, सो इट इज़ वाई सी, इट इज़ वाई सी। सो आपको डिराइव करना है क्रिटिकल फ्लो की इक्वेशन। सो आपको पता है ई क्या था, वाई प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी, ये आपका बेसिक से इक्वेशन है। बट फॉर क्रिटिकल फ्लो द कंडीशन प्रूव्ड इज, हमने क्या कंडीशन प्रूव की थी, वो थी क्यू स्क्वेयर टी बाई जी ए क्यूब मस्ट बी इक्वल टू वन। ठीक है, सो इट वॉज क्यू स्क्वेयर टी बाई जी ए का क्यूब दैट इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पर मैं एरिया वर्कआउट कर लेता हूँ। पहले एरिया होता है विड्थ इंटू क्रिटिकल डेप्थ वाई सी, उसके बाद टॉप विड्थ रेक्टेंगल के लिए क्या बनता है, वो बनता है बी, सो टी इक्वल टू बी बना। सो दिस इज क्यू का स्क्वायर इंटू बी बाय जी, ए का क्यूब क्या है बी का क्यूब इंटू वाई सी का क्यूब इक्वल्स टू वन। अब यहाँ पर मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सी उसके पहले यहाँ पे बी कटता है, यहाँ पे बनेगा बी का स्क्वायर। ठीक है, एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज स्मॉल क्यू, दिस इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज पर यूनिट विथ, डिस्चार्ज पर यूनिट विथ विच इज नथिंग बट कैपिटल क्यू बाय बी, ये होता है कैपिटल क्यू बाय बी। सो मैं यहाँ पर कैपिटल क्यू बाय बी स्क्वेयर को रिप्लेस कर सकता हूँ क्यू स्क्वेयर बाय जी से। ठीक है, कैपिटल क्यू स्क्वेयर बाय कैपिटल बी स्क्वेयर बनेगा स्मॉल क्यू स्क्वेयर अपॉन जी लिखा इंटू वाई सी का होल क्यूब इक्वल टू वन। तो यहाँ से वाई सी क्यूब की वैल्यू क्या आती है, सो क्यू स्क्वेयर बाय जी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू वाई सी का होल क्यूब। तो यहाँ पे आपका वाई सी कितना आता है, वाई सी इज कमिंग आउट टू बी क्यू स्क्वेयर बाय जी होल की पावर 1/3। ठीक है, ये आता है वाई सी का इक्वेशन। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द फ्लो फॉर रेक्टेंगल चैनल, दिस इज फॉर रेक्टेंगल चैनल, ये होता है रेक्टेंगल चैनल के लिए। ठीक है, वेयर क्यू इज वॉट, क्यू इज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ऑफ द फ्लो, इट इज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। अब हमको मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, इन दोनों के बीच का रिलेशन डिराइव करना है। ठीक है, तो इन द स्टेप नंबर टू, सी ई क्या था, यह है रिलेशन बिटवीन ई मिनिमम एंड वाई सी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ई क्या था, वाई प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी, अब ई बन गया है आपका ई मिनिमम, मतलब मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। तो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी पे डेप्थ क्या बनता है, डेप्थ इज क्रिटिकल डेप्थ एंड वेलोसिटी दैट इज वी स्क्वायर बाय टू जी, वही बन जाएगा क्रिटिकल, वी सी का स्क्वायर बाय टू जी। ठीक है, वेलोसिटी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डिस्चार्ज का स्क्वायर, वी का स्क्वायर है तो डिस्चार्ज का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर इंटू टू जी। सो ई मिनिमम इज नथिंग बट वाई सी प्लस क्यू का स्क्वायर लिखा, एरिया क्या बनेगा, विड्थ इंटू क्रिटिकल डेप्थ उसका होल स्क्वायर इंटू टू जी। तो वी आर लेफ्ट विथ वाई सी प्लस क्यू का स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर क्या बनेगा, वो बनेगा स्मॉल क्यू का स्क्वायर बाय, नीचे क्या है, वाई सी का स्क्वायर इंटू क्या है, टू जी। ठीक है, अब क्यू स्क्वायर बाय जी जस्ट मैंने अभी प्रूफ किया, क्यू स्क्वायर बाय जी क्या बनता है, वो बनता है वाई सी का क्यूब दैट इज वाई सी का क्यूब। सो ई मिनिमम इज नथिंग बट
वाई सी प्लस क्यू स्क्वायर बाय जी, वाई सी का क्यूब बना अपॉन टू, नीचे क्या था, टू टाइम्स वाई सी का स्क्वायर, दिस इज टू टाइम्स वाई सी का स्क्वायर. सो ई मिनिमम इज नथिंग बट वाई सी प्लस ये आएगा वाई सी बाय टू. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा थ्री बाय टू वाई सी, दिस इज थ्री बाय टू वाई सी. सो ई मिनिमम इज नथिंग बट थ्री बाय टू वाई सी विच इज़ वैलिड फॉर रेक्टेंगल चैनल ओनली. ये आपका रेक्टेंगल चैनल के लिए ही वैलिड है, ठीक है. इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल सेक्शन का क्रिटिकल डेप्थ वर्कआउट करने वाले हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.